अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सनशाइन मॉर्निंग में आपकी होस्ट सोले नौरीन। नाजरीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है, सबसे पहले आपको इस वजह से बता रही हूँ कि होता है ना कि यहाँ वहाँ की बातें करती हूँ तो आप लोगों का ध्यान भी बढ़ जाता है। तो टॉपिक है हमारा जिस्म की हिफाजत, बॉडी केयर कैसे करनी चाहिए। अब बॉडी में आती कौन कौन सी चीज़ें, सिर्फ ये क्या कि हमें हम नहा धोकर हम साफ़ हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि बस हमने केयर कर ली। अपनी स्किन की हिफाजत करनी चाहिए, हमें अपने बालों की हिफाजत करनी चाहिए, नेल्स की हिफाजत करनी चाहिए। नेल्स को तो लोगों ने छोड़ रखा होता है, सिर्फ सोचते हैं कि जब महीने दो महीने में ब्यूटी पार्लर जाएंगे तो उन्होंने मैनीक्योर करवा लिया, बस ठीक है, इट्स इनफ। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। बॉडी केयर में सारी चीज़ें आ जाती है, अपने बालों की हिफाजत क्या करें, नेल से स्किन, फेस, ओवरऑल, मतलब जो भी आपका ऊपर से लेकर सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक का हिस्सा है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके जिस्म की हिफाजत में। तो जिस्म की हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता ये है कि हम अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, फैशन डिज़ाइनर के पास ले जाते हैं, और मंथली जब जाते हैं ब्यूटी एक्सपर्ट के पास तो फैशन ले लेते हैं और समझते हैं कि बस ठीक है, ओवरऑल हमारा ठीक ठाक फिट फाट है। बट ऐसा होता नहीं है। हमें ज्वाइन करने का तरीका है, फेसबुक पे पेज मौजूद है सनशाइन मॉर्निंग का, अप्लाई करें, टेक्स्ट करें, फीडबैक करें, और साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं लाइव और हमारे मेहमानों से बात कर सकते हैं। हमारा नंबर क्या है, 02135890271, उन पे कॉल करें, हमसे बातें करें, हमारे मेहमानों से बातें करें, उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इस टॉपिक से रेलेवेंट हमारे साथ बहुत ही अच्छे और प्यारे से गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ बैठे हैं डर्माटोलॉजिस्ट सैयद, डर्माटोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं शमाइल जिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वाले, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ ही साथ रोमाना अली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं ये। ब्यूटी एक्सपर्ट का काम क्या होता है, हमें खूबसूरत बनाना, और हमें खूबसूरत बनाने के साथ साथ खुद को भी अच्छा रखना, क्योंकि ये भी तो बहुत जरूरी है ना। कैसी है रोमाना? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, और बहुत ही ब्राइट ब्राइट सी लग रही हैं आप, क्या बात है। एक्चुअली आपको पता है कि विंटर है तो ब्राइट कलर अच्छे और कलेक्शन के बारे में आप लोग से बेहतर कौन जानता है? ऑफ कोर्स रोमाना। आज तो हमारा टॉपिक है जिस्म की हिफाजत। जी, मैं सुन रही थी आपको। जिस्म की हिफाजत में क्या जरूरी है कि ओवरऑल हम चीजों को देखा करें, या जस्ट होता है कि ब्यूटी एक्सपर्ट के पास जाती हैं खवातीन? हाँ, देखिए अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, खवातीन आती हैं कि वो खाली बस वही समझती है कि अपनी खुद से होम केयर नहीं करती, मतलब वो चाहती है कि हम ब्यूटी एक्सपर्ट के पास चले जाएं तो वो हमें बता दें, मतलब इजी रहना चाहती हैं। तो हम लोग उनको इतना बताते हैं कि भाई आप घर में अपनी केयर क्या करें, अपनी स्किन की केयर क्या करें। जैसे अब आप सुबह ऑफिस, जो ऑफिस वर्कर्स हैं मतलब लड़कियां हैं जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, उनको मैं इतना कहती हूँ कि आप क्लिंजिंग करें, क्लिंजिंग करके अच्छा सा टोनिंग कर दें और मॉइस्चराइजर लगा के। यार आजकल आपको पता है कितनी अच्छी डे क्रीम, नाइट क्रीम्स आ गई हैं वो स्किन के लिए। और फिर बालों का बहुत प्रॉब्लम है। मेन चीज है कि आजकल बालों में लोग कलर्स का इतना फैशन है कि लड़कियों ने मतलब अपने बाल डैमेज कर लिए, बाल हेयर डाई करके। सही बात है, हेयर कलर वगैरह इस पे भी हम बातें करेंगे। रोमाना, आपसे हमारे साथ डर्माटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, तो बालों के बारे में इनसे बेटर कौन बता सकता है? बालों के बारे में बताएं सर पहले आप, उसके बाद मैं आपसे स्किन के बारे में पूछना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सौरे कि आपने, आपका और आपके पूरे चैनल का, कि आपने आज के प्रोग्राम में मुझे दावत दी। एंड मतलब बहुत ज्यादा बेहतर फील हो रहा है, बहुत बेहतरीन चैनल है आप लोगों का, और खासतौर पे जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही मुनफरिद टॉपिक है। और अमूमन बहुत सारे चैनल्स हैं, लाइक मैं मल्टीपल मॉर्निंग शोज में जाता हूँ तो ये चीजें बहुत सारे चैनल्स ने स्किप कर दी है या मिस कर दी है। वो एक अजीब से तरह के टॉपिक्स होते हैं जो इररिलेवेंट होते हैं हमारी रेगुलर लाइफ से। तो खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा आपको, आपके चैनल को, कि आपने इतना बेहतरीन टॉपिक जो है आगाही के लिए अपने देखने वालों के लिए आपने ये किया। अच्छा, अब आज का जो टॉपिक है वहां मैं स्टार्ट बेसिकली जो करना चाहूंगा कि बिल्कुल बॉडी केयर तो सब चीज है, ये बाल, ये स्किन, मगर कहीं ना कहीं जो मैं अपना मैसेज आज जो है स्टार्ट देना चाहूंगा, करना चाहूंगा प्रोग्राम के, हमने एक्सरसाइज और डाइट, ये दो चीजों को हमने खैर बात कह दिया है जी, जी। और हमने अपना पूरा फोकस खो दिया है इन सारी चीजों पे। देखें, बॉडी केयर, स्किन, महंगी क्रीम लगाना, ये सब तो शायद 1-2% तबका है पाकिस्तान का जो ये सब कर सकता है। 98% जो तबका है पाकिस्तान का वो इतनी महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता जी, जी। तो आपके तवस्सुल से जो भी मैं बात करूंगा, मेरी कोशिश होगी कि ज्यादातर प्रोग्राम का हिस्सा उन 98% लोगों के लिए है, उनके लिए हो, और फिर 2% जो लोग हैं उनके लिए भी एडिशनल बातें बताऊंगा। तो स्टार्ट में करना चाहूंगा कि डाइट और एक्सरसाइज। देखें, हम जो है आजकल मैं देखता हूं मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं,
हमने कहीं ना कहीं जो अफादियत है फल की या सब्जियों की वो हमने खो दी है। हम से बिरयानी खाएंगे या हम बर्गर खाएंगे और जो है बिल्कुल हम जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पियेंगे और हमने जो अफादियत की निहारी भी बहुत हाँ बिल्कुल निहारी खाएंगे तो मतलब ऑयली फूड बहुत ज्यादा खाएंगे। तो सिर्फ मैं आपके तवज्जो से जो स्टार्ट करना चाहूंगा इस प्रोग्राम को कि खुदारा आप एक फ्रूट या वेजिटेबल पे अपने टेस्ट डेवलप करना शुरू करें और उसके बाद एक्सरसाइज पे, फिर जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा मैं मजीद बताऊंगा। एक्सरसाइज के लिए जरूरी नहीं है कि आपने महंगे महंगे जिम में जाना है, आपने महंगे से स्विमिंग पूल में जाना है। एक्सरसाइज एक सीढ़ियों पर भी हो सकती है, यानी कि अगर आपके घर में जीना है तो आप 10 बार उतरे और चढ़े तो ये एक्सरसाइज है। अब जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा मैं मजीद बताऊंगा कि ये जो सारी चीजें होती हैं ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में चेंज लाना शुरू करती हैं, आपकी स्किन, आपके हेयर, ये पूरी बॉडी आपकी बेहतर होना शुरू होती है। हम इन सब चीजों से बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं। एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता हमें, टाइम हमारे पास होता है मगर हम टाइम की प्रायोरिटी जो है वो हमारी खराब हो गई है। लेट सपोज मैं आपको एक मिसाल दूं, अगर मेरी तबीयत खराब है तो मुझे पता है कि मैं कितना भी बिजी होऊंगा मुझे दवा के लिए टाइम निकालना है। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी प्रायोरिटीज जो हैं लाइफ की वो गलत सेट कर ली है। एक तो देर से उठना, रात में देर से सोना, फिर एक्सरसाइज का ना होना, इसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी और डेथ के चांसेस बहुत हाई होते जा रहे हैं। मेन वजह है नींद की पूरी ना होना सबसे, और एक दूसरा, और आजकल आपको पता है टेंशन कितनी है। जब तक मुझे ऐसा लगता है कि सब एक जड़ जो है ना वो टेंशन है। आप अगर टेंशन लेना कम कर दे, और हम लोगों ने खुद ही अपनी टेंशन पाली है, अगर आप टेंशन कम करें तो आपकी देखिए स्किन फ्रेश हो जाएगी, आपकी बॉडी, मतलब आप खाली टेंशन खाली लेडीज की नहीं, बहुत सारी बच्चों की तालीम की, सिर्फ ज़रा बेचारी वो क्या करें। और समझे मेरा सैलून के साथ जिम भी है, तो जो मेरी क्लाइंट्स आती हैं, जो मतलब लड़कियां आती हैं, उनको सबसे पहले मैं एडवाइस एक्सरसाइज का करती हूँ। और माना टेंशन से झुरियां भी पड़ जाती हैं, बिल्कुल क्या फायदा फिर फैशन लेने का, कोई फायदा नहीं है जी बिल्कुल। और फिर कहती है रात को हमें नींद नहीं आती, हम लोग रात भर सोते नहीं है, तो मैं उनको यही कहती हूँ प्लीज अगर आप 3 घंटे भी सुकून की नींद ले लें तो मच बेटर ना। लेकिन अब समटाइम ऐसा होता है जो ब्राइट आती है तो वो देखिए बॉडी में एक ये प्रॉब्लम भी है आजकल मोटापा, ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। आई से कि जब लड़कियों की शादी होती है, अच्छा उनको उस वक्त तो ख्याल नहीं आता, जब शादी होती है 1 महीने पहले आता है कि बस रुमाना आप हमारा ऐसा मेकअप करिए कि हम लोग स्लिम लगे, हमारी बॉडी स्लिम लगे या फेस स्लिम लगे। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप मतलब 6 महीने पहले आप सोच लेते, मतलब आप हमसे एडवाइस ले लें, आपके ब्यूटी एडवाइस इंसान ले लेता है कि मतलब 6 महीने पहले आप मतलब हमसे डाइट प्लान पूछ लें कि कैसी डाइट खानी चाहिए, आपकी स्किन, बाल, नेल्स, तो मतलब मैनिक्योर पेडिक्योर हम लोग अक्सर एडवाइस करते हैं कि मतलब आप 15 डेज बाद अपना मैनिक्योर करवा लें, पेडिक्योर करवा लें, 1 महीने बाद करवा लें, मतलब क्लिनजिंग करवा लिया करें 15 डेज बाद। और मसला ये है कि स्किन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि खवातीन जब 35+ हो जाती हैं, जब इनकी झुरियाँ हो जाती हैं, तब वो जो है ना एंटी एजिंग अपनी स्किन के लिए यूज करवाती हैं। तो हम उसे ये कहते हैं, हम उसे कहते हैं कि इससे पहले कि आप 35+ हो जाएं, आप 27 ईयर या 25 ईयर्स से मतलब एंटी एजिंग और ये लिफ्टिंग शुरू स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल, मैं यहाँ पे मैडम की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि देखें एंटी एजिंग तो बिल्कुल अपनी जगह पे, इन्होंने आपके सवाल का पूरा जवाब दे दिया, सिर्फ मैं उसको आगे बढ़ाना चाहूंगा कि स्ट्रेस, इस पूरी बात में जो मैं स्ट्रेस का एक रोल बताना चाहूंगा। देखें जैसे ही हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है या जब हम स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उसे हम कहते हैं। कॉर्टिसोल का काम क्या होता है कि वो स्ट्रेस सिचुएशन में रिलीज होता है मगर वो हमारी बॉडी को इमरजेंसी के लिए तैयार करता है, और ये कुदरत का एक कानून है कि वो मगर इमरजेंसी थोड़ी देर के लिए होती है फिर सेटल डाउन हो जाती है। तो जो लोग स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, खासतौर पे खवातीन, जब स्ट्रेस ज्यादा लेती हैं तो वहां से बॉडी डिटोरिएट मतलब खराब होना शुरू होती है। वो खराबी कहां से शुरू होती है, वो बाल से लेके पैर के नाखून तक फिर प्रॉब्लम शुरू होंगी। स्ट्रेस लेने से क्या बालों का गिरना भी इसके बिल्कुल बिल्कुल मैं अगली बात में इसी पे आ रहा था कि जब स्ट्रेस लिया जाता है तो सबसे पहला जो उसका साइन या सिम्टम जिसे हम कहते हैं, जो मरीज हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, वो बोलते हैं कि सर जब हम कंघी करते हैं तो बहुत सारे बाल हमारे हाथ में आ जाते हैं, वो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और वो कॉर्टिसोल जो होता है उस वो वहां से स्टार्ट होता है। अच्छा, उसके बाद फिर पूरे चेहरे पे झुरियां आना, ये जो है अच्छा, अब आप कितनी भी एंटी एजिंग क्रीम लगा लें इससे यस फर्क पड़ता है मगर जब तक आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है, जब तक आप अपने स्ट्रेस पे काम नहीं करेंगे, आप कूल डाउन नहीं होंगे, तब तक आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, अब ये तो एक चीज हो गई, ये तो वो हिस्से हो गए जो हमें बाहर दिखते हैं लाइक हमारी बॉडी के हिस्से, अंदरूनी तौर पे हार्ट अटैक के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं।
जो लोग कॉर्डिसो मतलब जो लोग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं, उसके बाद डायबिटीज के चांसेस उन लोगों में बहुत हाई होते हैं जो लोग स्ट्रेस ले रहे होते हैं, उसके बाद मल्टीपल लाइक जो हाइपरटेंशन खून जो है लाइक ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, तो ये वो सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपको धकेल रही होती हैं मौत की तरफ। और ये जो स्ट्रेस का लेना है ये अमूमन मैंने अपने मरीजों में देखा है। अच्छा पहले तो होता ये था कि 35 या 40 साल के बाद स्ट्रेस लोग लेते थे, अब मगर मैं देख रहा हूँ कि 22 या 23 साल में या 20 साल के बाद जो है, क्योंकि अब लाइफ इतनी फास्ट हो गई है। अच्छा अब ये फास्ट लाइफ जो है ये बड़ी खतरनाक हो गई है, खासतौर में मैं अगर कराची की बात करूँ इतनी फास्ट लाइफ है। अच्छा फिर जितनी भी फास्ट लाइफ हो हमें उस हिसाब से कोप अप करना होता है। अब अगर लाइफ फास्ट है तो भाई आप जो है रात में 11 बजे सो जाएं या 10 बजे सो जाएं, नहीं सोना भी आपने 2:30 बजे 3 बजे और फिर सुबह आपने 7 बजे उठ के भागना है। और बिल्कुल मैं मैडम की बात को आगे बढ़ाऊंगा, जितनी आपकी नींद कम होगी उतना ही स्ट्रेस का लेवल हाई होगा, आप फ्रेश नहीं होंगे और फिर सोने पे सुहागा हम एक्सरसाइज भी नहीं करते और उस पे सोने पे सुहागा ये कि हमने फ्रूट और वेजिटेबल को बिल्कुल खैरबाद कह दिया। तो ओवरऑल अब मैं अच्छा अब इसका नुकसान क्या है, अब अगर इसको पूरे कौमी मुफाद में देखा जाए तो इसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारा जो वर्कलोड है वो बढ़ता जा रहा है, हम परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से नहीं दे पा रहे और ये पूरा एक तरह का बर्डन है जो हुकूमत पे या पूरी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान की उस पर बढ़ता जा रहा है। और वैसे भी हॉस्पिटल इतना ज्यादा कम है लाइक कराची शहर की अगर बात करूं, अब आप सोचें कि हम जब फूड अच्छा नहीं ले रहे, हम अपनी बॉडी की केयर नहीं कर रहे तो ये सारा बर्डन आता जा रहा है। जंक फूड का ज्यादा फैशन चल गया है, जंक फूड लोग इजी वेयर समझते हैं, उसमें बर्गर लिया खा लिया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं ये भी ऐड करूं कि जंक फूड का एक और मैं आपको नजरिया बताऊं कि देखें अमूमन बच्चे बहुत ज्यादा खा रहे हैं, वो मतलब जंक फूड को बनाया ही ऐसा जाता है, ये वेस्टर्न जो कंपनीज हैं इनकी पॉलिसीज इस तरह की होती हैं कि बहुत अट्रैक्टेड होता है ये और बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक तरह का एडिक्शन बन जाता है। अगर एक बोला जाए बच्चों में एडिक्शन तो यस फास्ट फूड या जंक फूड जो है वो एक तरह का एडिक्शन है। अब क्या हो रहा है, अब आप अगर मतलब थोड़ा सा निगाह डालें सोसाइटी पे आप देखें बच्चों की हाइट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही होती। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जो ये बात बोलते हैं कि बच्चों के मतलब डॉक्टर साहब जो हमारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, तो मैं इनसे पहला सवाल ये पूछता हूँ कि आप ये बताएं कि आप दिन में कितनी बार अपने बच्चों को ये जो बड़े बड़े ये जो फास्ट फूड के रेस्टोरेंट है मल्टीनेशनल कितनी बार लेके जाते हैं, तो वो बोलते हैं सर ये तो हम हफ्ते में 2 बार लेके जाते हैं और ये रोजाना जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक ये तो जितनी भी कोला ही पी रहे होते हैं। अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि इन सारी चीजों की वजह से बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, तो ये एक बिल्कुल ये एक बॉडी का ये कानून है, ये कानून है कुदरत है कि जब मोटापा बढ़ेगा वेट बढ़ेगा तो आपकी हाइट जो है वो नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि वेट जो है आपकी बॉडी का वेट आपको ड्रैग डाउन कर रहा होता है, आपकी हाइट को नहीं बढ़ने दे रहा होता, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा फिर मैं खवातीन के ऊपर आऊं, खवातीन में अब आप जिस खवातीन का विटामिन डी लेवल करवाएं, अगर मैं उम्मीद करता हूं अगर आप दोनों अपना भी कराएंगे तो डेफिनेटली कम आएगा, उसकी वजह यह है हमने मिल्क पीना खत्म कर दिया। मुझे याद है कि मेरे वालदैन जो है हम लोग को जबरदस्ती डंडे मार के डांट के रात में दूध पिलाते थे, अब वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, अब बच्चे मुझमें नहीं होगी। अच्छा अगर आप पी रहे हो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अमूमन 90% को देखा है, तो मतलब वो जो एक कॉन्सेप्ट था रात में डांट के जबरदस्ती बच्चों को दूध पिलाने का वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। अब क्या होता है, अब मतलब मैंने जितना देखा है रात में बच्चे कार्बोनेटेड ड्रिंक ये जो कोला है वो पी के वो चीज बड़ी खतरनाक है, मतलब जाग रहे हैं मतलब उठ के गए फ्रिज तक फ्रिज कोला सामने जाग उठ के वो भी, मगर जो हम दस्तरखान पे बैठे होते हैं अब आप देखें पानी का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, उसके बाद बिल्कुल पानी का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है और अब ड्रिंक का कॉन्सेप्ट बढ़ता है। अब देखिए कि अगर खाने के साथ ड्रिंक नहीं है तो बच्चे खाना नहीं खाएंगे, पहले ड्रिंक ये भी मजबूरी होती है कि माँ बाप कहते हैं चलो ठीक है कोल्ड ड्रिंक्स भी पी लेना और सबसे पहले वही डालकर दे रहे होते हैं। और आप यकीन मैंने आपको बताया कि मतलब सैलून के साथ हमारा जिम भी है और आपको पता है कि हमारे जिम में ज्यादातर 14 इयर्स 13 इयर्स एंड 10 इयर्स की बेबीज आ रही हैं और उनमें इतना बेबी फैट है वो एक्सरसाइज, मुझे इतना अफसोस होता है उन बच्चों को देख के कि मतलब जहरा लड़की है, तो आप मैंने ये चीज बहुत मतलब मैंने हैरान हो रही हूँ, अब जो न्यू जनरेशन है वो ज्यादा बहुत फैट है, मतलब बच्चे सिर्फ पेरेंट्स को देना चाहूंगा, उसकी वजह यह है कि एक चीज मैं आपके तवस्सुल से और आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि खुदारा जब बेबी पैदा हो तो 4 महीने के बाद हम वीनिंग स्टार्ट करवाते हैं, यानी कि ऊपर का फूड स्टार्ट करवाते हैं, हम उस वक्त से बच्चों के अंदर
टेस्ट बर्ड ही डेवलप नहीं करवाते फ्रूट की या वेजिटेबल की, यानी कि फल की और सब्जियों की हम उनको खिलाते ही नहीं है, और फिर हम अचानक से हमें ये गुमान होता है कि ओ अब तो ये 3 साल का हो गया और ये मतलब फल भी नहीं खाता और ये सब्जी भी नहीं खाता, भाई वो कैसे खाएगा? आप तो उसको दिन और रात या तो डोनट खिला रहे हैं या बर्गर खिला रहे हैं या फिर बिरयानी खिला रहे हैं। सॉरी मैं आपके बात काट रही हूँ, इन सबके जो दुश्मन है ना वो है फादर। बिल्कुल, वो कैसे तो, वो इसलिए दोनों पेरेंट्स पेरेंट्स नहीं लेकिन फादर, इसलिए कि ना अब मैं तो अगर मैं अपनी बेबी को मना करूंगी कि देखें आपने ये नहीं खाना, तो फौरन उनके फादर बोलेंगे कोई बात नहीं बच्ची है अभी उसकी उम्र कैसे खाने है। मतलब क्या अब तो क्या बच्चों में क्या कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमारे फादर तो है बिल्कुल कहना नहीं मानते, तो ये चीज मैंने बहुत देखी, अगर फादर सही हो जाए ना तो बच्चे वैसे बहुत कहते हैं कि बच्ची अभी तो उम्र है ना खाने की, जब उसका एक्चुअल उम्र आता है ना कोई और फिर उस पर डंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि भाई अब खाओ। अब मतलब मैं अपने मरीजों को या जो उनके पेरेंट्स आते हैं वो मैं यही बोलता हूँ, आप खुद तो खाते नहीं है, दस्तरखान के ऊपर आपने खाना है बर्गर या आपने खाना है बिरयानी या आपने चावल बहुत ज्यादा खाने हैं, और फिर आप ऑल ऑफ अ सडन आपको ख्याल आ रहा है कि जी बच्चों को, मगर ऐसा नहीं है, आप स्टार्ट से ही बच्चों के अंदर फल का या वेजिटेबल का कॉन्सेप्ट डालें। अच्छा, अब मेरे पास बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो बोलते हैं सर हमारे पास पैसे नहीं है कि हम रेगुलर फ्रूट खरीद सकें, तो मैं उनको ये बात बोलता हूँ कि भाई मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि पूरे दस्तरखान पे आप अपने सारे फ्रूट सजा दें या भर दें, शमाई साहब बिल्कुल फ्रूट एक, पैसे नहीं है लेकिन गोश्त और मटन हाँ, मतलब एक जो है बनाना या एक ऑरेंज या एक सब्जी आप खिलाएं, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, ये सिर्फ दिमाग का फतूर है जो कहीं ना कहीं हमने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। तो मैं आपके तवस्सुल से आज स्ट्रांग मैसेज ये देना चाहूंगा कि खुदारा अपने बच्चों में फल का और जो वेजिटेबल का रुझान डालना शुरू करें, और वो रुझान कैसे आएगा, वो रुझान उस वक्त आएगा जब आप खुद खाएंगे, उनके साथ बैठ के खाएंगे, एंजॉय करेंगे। जैसा मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरे फादर है ना तो वो मुझे अक्सर कहते हैं कि तुम खवातीन इतनी कॉस्मेटिक पे अगर तुम हजारों रुपए लगाते हो, अगर इसी के तुम लोग फल खरीद मुझे इतनी हंसी आती, इसी के तुम लोग फल खरीद के जूस पियो खाओ दूध पियो तो यही पैसे तुम्हारे, एक तो एनर्जी भी तुम लोगों में आएगी और स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब इतना मुझे वो टॉर्चर मतलब इस पॉइंट में से भी करते हैं, और मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती है कि इतने पैसे में आप अगर इतने फल लेके रख लेना तो आपका सही, और जब अच्छा इंटेक होगा ना हमारा तो ऑटोमेटिकली हमारे बाल है स्किन सब कुछ बेहतर होगा, वो ऑटोमेटिकली बेहतर सिस्टमेटिक। अच्छा उसमें मैं एक चीज और ऐड करूँ, पानी हाइड्रेशन। अच्छा अब हमने कहीं ना कहीं आप देखें कि हमने पानी का यूज खत्म कर दिया, हमने शुरू कर दिया कोला ड्रिंक, हम सिर्फ कोला ड्रिंक पियेंगे, और पानी जो है पहले जमाने में होता ही था कि जब लोग आप देखें ऑफिस जाते थे तो वो अपने साथ एक प्रॉपर पानी का जग मग लेके जाते थे, मतलब मेरे फादर ने किया है, मेरे दादा ने किया है, मैंने बचपन में उनको ये करते हुए देखा है। अब आप देखें कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है, अब हम 50-50 रुपए की वो जो है बॉटल तो खरीद लेंगे, और मतलब वो एक तरह का लाइक कहना चाहिए कि वाटर माफिया बन गया है, मगर हम अपने घर से उबला हुआ पानी लेके नहीं जाएंगे। अच्छा अब दूसरी बात ये कि लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास पैसे नहीं है वो पानी महंगा खरीदने, तो मैंने बोलता हूँ कि भाई पैसा मैंने कब कहा कि आप वो 50 रुपए वाली जो बोतल है वो खरीदें, आप घर में बॉइल करके जो लाइक जो बॉटल आती है उसमें आप लेके जाएं, वो भी नहीं करना। तो बताने का मकसद ये है कि लाइफ इतनी फास्ट हो गई और हम कोप अप नहीं कर पा रहे। अच्छा पानी का एक चीज ये हो गई, दूसरी चीज मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि खुदारा पानी के साथ कोला ड्रिंक का यूज बिल्कुल बंद करें, उसकी जगह पे अगर आप मल्टीनेशनल के जो जूसेस आ रहे हैं जी। वो अगर आप बच्चों को पिलाने की हैबिट डालें तो वो मच बेटर हैं बनिस्बत कोला ड्रिंक के, और वो सस्ते भी पड़ेंगे। उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा होता है पूरा डिटेल के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, नुकसानदेह कितना फैट है, मतलब बहुत अच्छा है। हमें पता है कि ये बहुत हार्मफुल है हमारे लिए, जो है मतलब मैंने वेस्टर्न कल्चर को देखा है, मैं वहां गया हूँ, वहां पे आप यकीन करें वहां पे टेबल के ऊपर पानी से ज्यादा वो लोग जूस पीते हैं। तो सुबह सुबह आपको अगर असाध्यता समझ में आ जाए जूस पीने की, तो आप यकीन करें आप जो है कोला ड्रिंक कॉफी पीना छोड़ दें, ड्रिंक मतलब अगर आप जूस पियेंगे तो उसमें विटामिन सी विटामिन ई विटामिन बी और ये सारी चीजें आपको बहुत फ्रेश कर देंगे। अच्छा मैंने ये भी देखा है कि मैं जैसे अरब उसमें गई थी कंट्री में, तो हम लोग जैसे होटल में थे तो वहां पे मैंने नाश्ता, आप यकीन करें फर्स्ट प्रायोरिटी उनके नाश्ते में, इतने बड़े बड़े थाल में उनके सबसे पहले फ्रूट और जूस कीवी, वो फ्रूट जो होता है वो चीज और ऑलिव ऑयल मतलब बॉइल एग मतलब, और मैंने उनपे मिर्ची एक नहीं देखी, तो मुझे अफसोस हुआ कि मैं थोड़ी सी मिर्ची ले रहा था, आइस और ऑरेंज जूस और उनके पता नहीं एक वो दूध देते हैं, दूध बोतल में लस्सी बनी बनाई, वो पता नहीं क्या नाम है उनका, मैं तो सरप्राइज होगी, मैंने उनके दोपहर के खाने में फ्रूट्स देखे,
मैंने उनके रात के खाने में इन फ्रूट्स के स्पेशल थाल होते हैं जी, तमाम फलों के, तो मुझे मैं तभी भी देखती हूं। हमारे अरबी खराब हो जाते हैं फ्रूट्स जी, लेकिन वो खराब इसलिए कि हम प्रॉपरली उसको मेंटेन नहीं कर रहे होते। अब होता यह है कि फ्रूट आया, फ्रूट को जो है फ्रिज में रख दिया, इसे हम कहते हैं लाइक इसको कंटामिनेटेड ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अब इस होता क्या है, अब गोश्त है और फ्रूट है, अब लोग अमूमन क्या करेंगे, गोश्त को ऊपर वाले फ्लोर में रखेंगे, फ्रूट को नीचे वाले फ्लोर में रखेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि गोश्त को हमेशा सबसे नीचे वाले फ्लोर में रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही गोश्त थोड़ा सा नम होता है वो पानी छोड़ना शुरू करता है, तो वो जो पानी गिर रहा होता है वो फ्रूट से गिर रहा होता है और वो फ्रूट को ज्यादा डैमेज करता है या खराब करता है, और इसी वजह से हमारे घरों में आप देखें कि अमूमन फ्रूट खराब हो जाते हैं। तो डीप फ्रीजर में गोश्त और मतलब फल सारे रख देते हैं, तो उसकी महक भी उसमें आ जाती है। और सबसे बड़ी बात मुझे तो ये लगता है कि ये तो आपने बहुत पॉइंट की बात बताई, इतना सेफ करके रखना नहीं चाहिए। आप डेली या एक दो दिन के लिए एक्स्ट्रा लेकर आए, जितना आप फ्रूट को ओपन रखेंगे, आप देखें जितना ठेले पे बेच रहे होते हैं, गंदगी एक अपनी जगह पे होती है, मगर घर में वो चीज जालिया कवर डाल दें, कभी भी खराब नहीं होता। खाने से पहले वॉश कर करते हैं। और इसमें एक चीज और भी होती है, एक ह्यूमन नेचर है, जो भी चीज सामने दिखेगी ना आप वो खाएंगे। अब एक चीज फ्रिज में चली गई या लाइक पीछे की तरफ हो गई, तो उस चीज की अफादियत या इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है और लोग खाते भी नहीं, खाते नहीं। तो मैं अपने पेशेंट को ये बात बोलता हूँ कि खुदारा आप अपने दस्तरखान पे वो चीज सजाएं, तो फिर आपका भी दिल करेगा, और जब आपका दिल करेगा आप खाएंगे तो बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे। रूटीन बना लें, अभी होता है ना कि भूख नहीं लगती, कहते हैं कि नहीं खाना नहीं खाना है, बट कोई अगर सामने खा रहा हो तो दिल चाहता है। ये बच्चे जो होते हैं वो बच्चे आपकी वर्ड से ज्यादा आपके एक्शन को फॉलो करते हैं। ये एक बड़ी मशहूर कहावत है कि लाइक बच्चों को अगर कोई चीज सिखानी है तो उनको बोल के नहीं, आपने खुद प्रैक्टिकल करनी होगी, तब वो करेंगे जी। तो तब वो बच्चे उसको फॉलो करेंगे। तो इस तरह होगा ये कि जब आप इस तरह की डाइट पे मतलब स्टार्ट करेंगे डाइट, तो आप खुद ही देखेंगे कि आप कितने फ्रेश होना शुरू हो गए, आप खुद ही देखेंगे कि कितना पोटेंशियल आपके अंदर बेहतर होना शुरू हो गया है, आप खुद ही ये नोटिस करेंगे कि नॉर्मल डेली लाइफ में आप कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, आपका वर्क आउटपुट कितना बेहतर हो गया है। और इसी में मैं एक चीज ऐड करता हुआ चलूं, एक्सरसाइज। अच्छा, अब एक्सरसाइज जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं लाइक ये एक तरह का फैशन बना हुआ है कि जी महंगे महंगे जिम में जाना है जहाँ पे 8,000 फीस है, 10,000 फीस है, और वो मीडिया पे आ रहे हैं तो हमें वहीं पे जाके करना है, वहाँ पे इतनी अच्छी मशीन है। ये सिर्फ शायद एक परसेंट तबके के लिए है जो अफोर्ड कर सकता है। 98 से 99% तबके के पास खाने को पैसे भी नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपके तवस्सुत से जो मैं बात या जो मैसेज भेजना चाह रहा हूँ वो ये है कि कोई आपको बड़े जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप ये एक्सरसाइज अपने घर में अपने रूम मेरा भी जिम है। नहीं जिम ये मैं तो भी बार बार जो मैं मैडम मैं बताना चाह रहा हूँ वो 1% तो डेफिनेटली आपके जिम में आएंगे। रोमाना कहाँ है आपका जिम? हमारा ये PCHS में। अच्छा जी, वही सैलून भी आप जी? वही सैलून है, रोमाना ब्यूटी सैलून एंड फिटनेस क्लब। ओहो जबरदस्त जी। ठीक है, आती हैं लड़कियां? बहुत बहुत ज्यादा आती हैं, और इतना 100% रिजल्ट भी माशाल्लाह होता है। और वैसे हम लोग घर में भी एक्चुअली, अब जैसे हम लोग स्टेपर्स की एक्सरसाइज करते हैं, तो दरअसल मैं उनको कहती हूँ अगर आप जिम नहीं आ सकती तो सीढ़ियां आपके स्टेपर्स हैं, आप वन स्टेप ऊपर वन स्टेप नीचे, आप उसको स्टेपर के तौर पे यूज करें। समटाइम मैं अगर घर पे होती हूँ तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अपनी केयर करनी है, अगर मैं कोई वर्कआउट कर रही होती हूँ तो मैं वो अपनी अपनी उस पर ही मतलब बिल्कुल बिल्कुल मैं स्टेपर्स कर रही होती हूँ, जो कह रहा हूँ मतलब ऐसा। और मैं सांस को इनहेल एक्सहेल कर रही होती हूँ, और अच्छा मैं नेल्स को इस तरह कर रही होती हूँ क्योंकि हमारी हेयर फॉल ना हो, जैसे हमारे बाल गिरते हैं, मैं नेल्स को इस तरह सबको बताती हूँ कि आप घर में आप जैसे बैठी तो आप ऐसे करते हैं। अगर नेल पेंट लगा हो तब भी मतलब नहीं, क्योंकि वो आपको इसको ऐसे प्रेस करना है ना, तो वो आपको मतलब गर्माइश देगा, तो ये हेयर फॉल के लिए बेस्ट है। इस तरह से होता है, बुक्स में लिखा है कि ये आपके स्ट्रेस को कम करता है। यस, और ये जो चीज है ये आपके स्ट्रेस को कम करता है, स्ट्रेस कम होता है तो फिर हेयर फॉल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। अच्छा, मैं फिर वो जिम वाली बात पर आऊंगे बिल्कुल, और अल्लाह करे और ज्यादा बेहतर हो। वहां तक अप्रोच करने के लिए सिर्फ 3 या 4% लोग होते हैं, और बिल्कुल मैडम ने जो है इन्होंने आगे जो बात जो कम्प्लीट कर दी वो यही है कि अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आपके घर में जो जीना है उस पे आप जो है रोज का ये मामूल बनाए कि आपने 10 बार चढ़ना या उतरना है। अच्छा चले भाई, अगर बहुत सारे लोग हैं अब वो एक और बहाना लेके आते हैं कि सर हमारे घर में जीना भी नहीं है, नहीं। मैं बोलता हूँ कोई मसला नहीं है, हाँ। जीना नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। कौन? मैं समीना बात कर रही हूँ कराची से। समीना कराची से, कैसी हैं?
जी अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज बहुत स्मार्ट लग गया प्यारी प्यारी ओह थैंक यू आपके गेस्ट इतने अच्छे आए हैं इतने अच्छी मतलब गुफ्तगू हो रही है इतनी चटपटी के मजा आ रहा है शो देखने का जबरदस्त तो मैं तो बहुत इम्प्रेस आपके शो से तो वैसे ही हमेशा ही रहती हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेटिव शो होता है और आज देखे माशाल्लाह से डॉक्टर साहब आए रोमान आई है आज जी क्या बात है बातचीत हो रही है और मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी आपके दोनों गेस्ट से कि मेरे साथ बड़ा मसला है कि मुझसे पानी नहीं पिया जाता ओहो मतलब जितनी मुझे प्यास लग रही होती है ना मैं सिर्फ उतना ही पी पाती हूँ जबरदस्ती मैं नहीं पी सकती और सर्दियों में तो बहुत काम हो जाता है इंटेक तो क्या करूँ मैं मतलब वो जूस लेके जूस अच्छे लगते हैं तो जूस लूँ क्योंकि मुझसे 8-9 गिलास नहीं पी जाते जब मुझे प्यास लग रही होती तभी मुझे पानी अच्छा लगता है उसके अलावा मैं नहीं पी सकती समीना खाने में भी प्रॉब्लम होती है आपको मतलब निकलने में समीना प्रॉब्लम होती है आपको नहीं 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 किसी भी चीज में नहीं बस मुझे प्यास कम लगती है समीना आपका वजन अंदाजन कितना है मेरा है जी 69 है पानी निकलने प्रॉब्लम 5 feet इतना अच्छा गाइड कर रहे हैं तो कुछ और बताइएगा और बच्चों के हवाले से भी बताइएगा कि बच्चे भी जरा ये होता है ना कि बस वो पानी पीने में थोड़ा तंग करते हैं और फ्रूट खाने में तंग करते हैं तो इसका भी गाइड कीजिएगा जी बिल्कुल सर थैंक यू सो मच ओके समीना थैंक यू फॉर कॉलिंग बिल्कुल सोलिया जो मैं अभी बात कर रहा था मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहूंगा एक तो ये कि इनका बीएमआई हम जो निकालते हैं यानी कि इनकी हाइट कम है और वेट ज्यादा है जी जी उसकी वजह से क्या है जिसे हम अपनी जबान में ओबेसिटी कहते हैं यानी कि मोटापा अब होता क्या है कि जब मोटापा होता है तो मैं आपको थोड़ा सा आपके देखने वालों को खासतौर पर मैडम को बताना चाहूंगा जब मोटापा होता है तो फैट यहाँ पे जमना शुरू होता है तो जब फैट यहाँ पर जमता है तो यहाँ पे खाने की नाली जा रही है वो उसको प्रेस करने लगता है तो इसलिए मैंने पूछा कि आपको खाने में तकलीफ तो नहीं है तो अमूमन कुछ केसेस में पानी पीने की जो तकलीफ बताते हैं मरीज या जो खाना खाने की तकलीफ बताते हैं वो मोटापे से भी एसोसिएशन होता है तो वही वाली बात आज जो है जितनी भी समीना आपको बातें बताएं एक्सरसाइज की तो आपने अप्लाई करनी है अपने ऊपर और पानी का कोशिश करें आपने रेगुलर यूज करना है तकरीबन आपने 8 गिलास तो पानी पीना ही है 8 गिलास रेगुलर पानी पीना है और फ्रूट की बात जो मैं अभी बता रहा था वही बात करूं कि आप जब तक फ्रूट खुद नहीं खाएंगी तब तक आपके बच्चे भी फ्रूट खाना होगा ठीक है दूसरी बात ये है कि बोतल आप एक सुबह एक अपनी पानी की बोतल भर के रख लें कि मैंने इतने टाइम तक पीनी है लाइक आप जैसे दवाई समझ के टारगेट रखना है अपना एक टारगेट फिर दोपहर को एक बोतल रख लें फिर आप 4 बजे एक बोतल रख लें पानी की फिर आप रात को रख लें वहाँ फिर वो आपको पता होगा कि ये बोतल मुझे पूरी पानी की पीनी है तो इस तरह आप पी भी सकेंगी अब एकदम नहीं पिया जाता किसी अक्सर ऐसा मैंने यही देखा और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि मुझे भी प्यास ज्यादा नहीं लगती लेकिन मैं जबरदस्ती वाकई पानी मैंने इस तरह से पीना चाहिए और कितने टाइम में पीना चाहिए इस पे भी हम बात करेंगे अभी हो चुका है ब्रेक का टाइम तो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी मजेदार बातें चलती रहेंगी आपने कहीं नहीं जाना है आप देखते रहें इंडस गोल्ड